नमस्कार। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। जो कुछ दिन पहले तक माननीय उच्च न्यायालय की ओर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, चार धाम में प्रतिदिन जाने वाले यात्रियों की संख्या पर कुछ रोक थी, जैसे कि बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में सिर्फ 800 लोग ही जा सकते थे, किंतु अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वो रोक हटा दी गई है। अब देवस्थानम बोर्ड से अलग से चार धाम का पास लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अभी जो भी तीर्थयात्री चार धाम यात्रा करना चाहते हैं उनको सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड पे के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और उसके अलावा जो कोविड प्रोटोकॉल है वो ये है कि या तो वो डबली वैक्सीनेटेड हों डबल डोज से, या नहीं है तो 72 घंटे का उससे 72 घंटे पहले की कोई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट उनके साथ हो। इसके अलावा आपको चार धाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी तरह से सुगम यात्रा आपकी चलेगी। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि अब संख्या पे कोई लिमिटेशन नहीं रह गई है, और जहाँ तक केदारनाथ जी की बात है वहाँ पे फाटा और गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर भी लगातार चल रहे हैं। धन्यवाद।